नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर, नशीले इंजेक्शन की बड़ी खेप पकड़ाई, 1175 इंजेक्शन जब्त, दवा दुकान संचालक गिरफ्तार। जबलपुर पुलिस कप्तान अमित सिंह के निर्देश पर नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए नशीले इंजेक्शन की बड़ी खेप बरामद करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने 1175 इंजेक्शन जब्त करते हुए एक दवा दुकान संचालक को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने यह भी बताया कि वह एक इंजेक्शन करीब 700 रुपये का बेचता था। आपको बता दें कि पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी के लालमाटी में दवा की दुकान भी है, जो इन नशीले इंजेक्शनों का कारोबार लंबे समय से कर रहा था। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उसने अब तक किन लोगों को इंजेक्शन बेचे हैं और उक्त इंजेक्शनों को कहां से प्राप्त किया करता था। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। आज कोई इंजेक्शन की कार्रवाई हुई, कितना माल मिला है, कहां से पकड़े, क्या नाम है? ये सिविक सेंटर गार्डन में के पास से महेश साहू, निवासी साहू मोहल्ला लालमाटी के कब्जे से लीजेसिक इंजेक्शन, जो नशीले नशा के काम में आते हैं, उपयोग करते हैं लोग, इसको पकड़ा गया है। कुल 225 पैकेट हैं और इसमें एक 1175 इंजेक्शन है। इसके आरोपी के विरुद्ध जो है धारा 228 IPC और औषध प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 6, 9, 10। आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए देश प्रदेश और जिले की ताज़ा तरीन खबरें अपने ही मोबाइल पर रोज रात 9 बजे। नमस्कार।